नहीं हुआ, ठीक है। और इस वीक में लेक्चर है सर का, तो उसके अंदर हम करेंगे टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड अपना ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतने में क्या है, हमारे पार्ट टेस्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं, 25 ना, तो ये और थोड़ा सा इसके अंदर वो भी डाल देते हैं, इम्पल्स एंड कोलिजन, ठीक है, बस इतना भी हमारा पार्ट टेस्ट का सिलेबस रहेगा। अगले संडे को क्या डेट है, आज फर्स्ट हो गया ना, कैलेंडर 11th है सर, 11, ठीक है, तो अपन कहाँ पे थे, थर्मल एक्सपेंशन पे ना, कहाँ तक हो गया था थर्मल एक्सपेंशन, कितना कराया था सर हमने, वो टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर देखा था और फिर आपने डिग्री फारेनहाइट स्केल बताया था, एक्सपेंशन कर रहे थे ना, थर्मल एक्सपेंशन टू। एक बार मुझे वो देखने दो नोट्स, देख लीनियर एक्सपेंशन किया था, फिर हमने वो इक्विवेलेंट वाला भी किया था ना, है ना, इक्विवेलेंट वाला अपने इक्विवेलेंट लीनियर एक्सपेंशन, फिर एक बार स्केल वाला क्वेश्चन भी बताया था कि अगर भाई एक स्केल रखा हुआ है, तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो तुम्हारा जो भी यानी रीडिंग आएगा वो किस टाइप से वेरी करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे लीनियर एक्सपेंशन के। एक मैंने असाइनमेंट अभी ग्रुप पे डाला है, उसको भी एक बार देख लेना आज के बाद। तो देखो रिकॉर्डिंग, तो लीनियर एक्सपेंशन में किया था हमने, अब याद आगे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरफेशियल एक्सपेंशन, सरफेशियल और एरियल, सरफेस क्या मतलब होता है, सरफेस का जिसके पास में एरिया होता है, राइट, जैसे कोई भी सपोज हमारे पास में एरिया है ये, ठीक है, एरिया का मतलब होता है कि बीच के अंदर चीजें भरी हुई है ना, एक सरफेस बना हुआ है। सपोज इसका इनिशियल एरिया है ए नॉट, और इसका जो था टेम्परेचर वो मैंने इंक्रीज कर दिया टी से, हमने कर दिया टी प्लस डेल्टा टी। तो अब जैसे उसके अंदर हमने देखा था ना लीनियर, तो उसके अंदर बेसिक चीज हमारे पास में क्या आई थी कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, राइट, एनी टू मॉलिक्यूल, चाहे वो मॉलिक्यूल तुम्हारे पास वाले ले लो या दूर वाले ले लो, कोई बात नहीं होती। तो इसके अंदर भी हमने देखा कि जो एरियल एक्सपेंशन में जो एरिया में जो चेंज आया दैट इज प्रोपोर्शनल टू उसका इनिशियल एरिया, ऐसा हो सकता है, बोल सकते हैं ना ये, तो भाई जैसे और लीनियर के अंदर हमने बोला कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ भी इंक्रीज होगा। जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, ये मान लो इनका इनिशियल मतलब ओरिएंटेशन है, अगर थोड़ी देर बाद में देखूंगा तो ये अगर यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो बताओ ना इसका जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ ना। अगर एक अपने इसकी इसी की बात कर लूँ, अपने ट्राइंगल की बात कर लूँ, तो जितना बड़ा ट्राइंगल लोगे उसके एरिया में इंक्रीज भी उतना ही होगा ए नॉट। ये हमारे पास में इसके अंदर भी आएगा कि तुमने टेम्परेचर कितना राइज किया है, क्योंकि एक चीज और हमने लास्ट टाइम की थी, फ्रैक्शनल चेंज जो होता है, फ्रैक्शनल चेंज जो होता है दैट इज डिपेंड ओनली ऑन द दो तुम्हारा मटेरियल है वो और तुमने कितना टेम्परेचर राइज किया है। और फिर हम इसके अंदर लगाते हैं कोफिशियंट, तो डेल्टा ए हमारे पास में आता है ए नॉट बीटा इंटू डेल्टा टी। जैसे उसके अंदर हमने क्या लिया था अपना कॉन्स्टेंट अल्फा, तो बीटा यहाँ पे बन जाता है क्या, कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन,
बीटा किसका प्रॉपर्टी हुआ? मटेरियल का प्रॉपर्टी। ये बताएगा कि भाई देखो, एक तुम्हारे पास प्लास्टिक का प्लेट है, एक तुम्हारे पास आयरन का प्लेट है, एक तुम्हारे पास में स्टोन का प्लेट है, तुमने सेम टेम्परेचर से उसको राइज किया, तो सब में सबके अंदर जो चेंज आएगा वो तो अलग अलग ही आएगा। तो ये हो जाता है, ये तुम्हारे पास ये हो गया, जनरलाइज हो गया। अब सपोज इसका एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज हमारे पास एक है ना रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट, ये मान लो इसका लेंथ दिया हुआ है L और ये तुमको दिया हुआ है B, शीट है ये, ओके। इसका एरिया कितना होगा? इसका इनिशियल एरिया A नॉट जिसको बोलते हैं, L into B। मान लो इसका टेम्परेचर भी मैंने T से करके क्या कर दिया, डेल्टा T कर दिया, और इसके लिए तुमको अल्फा गिवन है। अल्फा क्या होता है? लीनियर वाला, कि अगर ऑब्जेक्ट में लीनियर चेंज करना है तो कितना हो जाएगा। अब मैंने टेम्परेचर चेंज किया, तो ये पॉइंट को सपोज मैंने फिक्स कर दिया, ये डिस्टेंस जो है इनिशियली था मेरे पास में L, जब मैं इसको हीट अप कर दूंगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? तो ये जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा L 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। हाँ सही है ना? और जो ये वाली डिस्टेंस है ये हमारे पास में पहले थी हमारे पास में b, और ये मतलब अभी कितनी बन जाएगी? b 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, राइट। अब बताओ, अब जो मेरा रेक्टेंगल बनेगा नया, उसका एरिया कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा? एल बी वन प्लस अल्फा होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया? ए, ये क्या बन गया? ए नॉट वन। अब देखो, तुमको पहले बताया था कि अल्फा इज वेरी स्मॉल है ना, 10^-5 के ऑर्डर का होता है, तो 1 प्लस x^n व्हेन x इज वेरी लेस देन 1, व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस n x। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी है ना। तो यहाँ से लिख सकता हूँ ना, डेल्टा ए इक्वल टू ए नॉट 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आया था? बीटा। तो यहाँ पे और लिख सकता हूँ ना कि फॉर सॉलिड्स बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, सही है? हाँ भाई, भाई क्योंकि जो लीनियर चीजें होते हैं उसके अंदर लेंथ की पावर आती है 1, ठीक है। जब तुम उसका एरिया निकालते हो तो लेंथ की जो पावर बन जाती है, उसका एक्सपोनेंट बनता है, दैट इज 2। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 का फैक्टर आ गया है। अगर इसी चीज को मैं वॉल्यूम में लेके जाऊंगा तो 3 बन जाएगा। जैसे अभी एक और देखो, सपोज हमारे पास एक रिंग है, ये रिंग, सर एक मिनट थोड़ा ऊपर, हाँ हो गया सर। ये सब रिंग है, इसका तुमको रेडियस दिया हुआ है आर, रिंग याद रखना, और एक मैंने तुमको दिया हुआ है डिस्क, इसका रेडियस भी आर है। रिंग के वायर का जो मटेरियल है, जो जो इसका मटेरियल है ना, इसके लिए तुमको मैं अल्फा दिया हुआ है और इसमें भी अल्फा दिया हुआ है। भाई ये भी जो तुम्हारा जो डिस्क है, किसी ना किसी तरह सॉलिड मटेरियल का बनाई हुआ है, तो उसके लिए भी अल्फा दिया हुआ है। अब मुझसे पूछा है फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन बोथ, व्हेन टेम्परेचर को टी से हमने कर दिया टी प्लस डेल्टा टी, और या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि सपोज ये मैंने इसका ये ले लिया, डायमीटर ले लिया, इसमें यहाँ एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ एक पॉइंट ले लिया बी, और इसका भी डायमीटर ले लिया, इसमें भी एक पॉइंट ए,
एक पॉइंट बी, तो इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस कितना ए बी में, 2 आर। तो जब मैं हीटअप कर दूंगा, जब मैं हीटअप करूंगा दोनों को सेम टेम्परेचर से, तो दोनों के अंदर जो डिस्टेंस आएगा, जो इनका न्यू जो डिस्टेंस आएगा, क्या वो सेम रहेगा या अलग अलग हो जाएगा? चलो बताओ सर, एक में एरियल है, दूसरे में लीनियर वाला यूज करेंगे ना? हाँ करो 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 बताओ। सर एक डबल हो जाएगा ना? कौन सा डबल होगा? सर एक में वो 2α का फैक्टर आएगा, जिसका एरियल एक्सपेंशन है उसमें 2α का फैक्टर आएगा, जिसमें जिसका रिंग है उसका अल्फा का फैक्टर आएगा। ओके तो आंसर बताओ ना मुझे, आंसर बताओ। 2R 1 plus alpha delta t और दूसरे में होएगा 2R 1 plus 2 alpha delta t। Yes। देखो पहले मैं इसकी बात करता हूँ, रिंग की बात करता हूँ। ये मेरे पास में रिंग है, इसका रेडियस था मेरे पास में R। जब मैं हीट अप कर दूंगा तो इसका रेडियस कितना बन जाएगा? R 1 plus alpha into delta t। इतना हो जाएगा ना? हाँ सर। ओके तो अब बताओ इसका एरिया क्या बन जाएगा, या फिर मैं कहूँ कि द डिस्टेंस ए बी डैश क्या बन जाएगा? पहले डिस्टेंस कितना था? ये था ना, यहाँ पे इसका सेंटर है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ना 2R 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, राइट? जो भी न्यू जो आएगा डिस्टेंस, इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया, न्यू एरिया पाई इंटू आर डैश का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। तो लिख सकता हूँ ना कि पाई आर स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, लिख सकता हूँ। ये हमारे पास बन गया ए डैश। अब इसकी बात करते हैं, बताओ इसका एरिया कितना था इनिशियली? पाई आर स्क्वायर। तो अब मैं इसके अंदर एरियल वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, एरियल एक्सपेंशन। तो इसका एरिया कितना बन जाना चाहिए? ये तो हो गया इसका इनिशियल एरिया, प्लस 1 प्लस क्या आता है? 2α, बिकॉज सॉलिड के लिए कितना बन जाता है? 2α इंटू डेल्टा टी। तो देखो ना आंसर सेम है, ये दोनों एक जैसे ही है ना। और अगर तुम्हारा एरिया भी सेम है तो जो तुम्हारा न्यू जो आएगा डिस्टेंस आएगा ए बी डैश, वो क्या बन जाएगा? 2R डैश। यस। तो इससे हमने कंक्लूड क्या किया, चाहे मेरे पास में कोई खाली चीज हो, जैसे ये तो मतलब खाली चीज थी ना, इसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं था, या फिर मेरे पास भरा हुआ चीज हो, पूरा फील्ड हो, फ्रैक्शनल चेंज जो आता है, या फिर कह दो कि जो चेंज आने वाला है वो कैसा रहेगा? सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मतलब सेम रेशियो में एक्सपांड होगा ना कोई भी प्रोडक्ट? यस यस, चाहे वो खाली हो या फिर वो भरा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंशन सेम होगा। कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस उसी अमाउंट से इंक्रीज होगा जिससे वो चाहे खाली में होता है भरे में होता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, और सपोज मेरे पास में एक स्क्वायर एक शीट है, ये इसमें दो कैविटी है, दो मैंने ये हटा दिए डिस्क, एक छोटा एक बड़ा। सपोज इसका सेंटर मैंने बोल दिया सी, इसका सेंटर मैंने बोल दिया सी डैश, इसका रेडियस बोल दिया आर, इसका रेडियस बोल दिया आर डैश, ठीक है? ये पूरा बाकी भरा हुआ है, बस इतना पार्ट हमने हटा दिया था, ठीक है? अब मैं पूछता हूं तुमसे, ऑन हीटिंग आर विल, आर डैश विल, बस तुमको वो बताना है, इंक्रीज या डिक्रीज, सी सी डैश विल, बताओ इंक्रीज और अपना डिक्रीज। सर चैट पे बताना है? नहीं नहीं यहाँ पे बता दो ऐसे, सर चैट में बता दो। सर सी डैश इंक्रीज होगा, तो पहले दोनों तो इंक्रीज होंगे। तुम बोल रहे हो पहले दोनों इंक्रीज होंगे, ओके, और तीसरा शायद सेम रहेगा। सर वो तो उतना ही रहेगा ना? नहीं सर, बदलेगा सर, वो अंदर का डिस्टेंस बदलेगा ना सर।
सर वो स्क्वायर शीट बढ़ रहा है तो उसका सर रेडियस भी तो बढ़ रहा है सर्कल का. हाँ बढ़ रहा तो सर सी सी डैश तो सेम होना चाहिए ना. सर उसके बीच वो भी तो एक्सपैंड वो भी तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो सीसी डैश भी अफेक्ट होगा बढ़ेगा. अगर चीज समझ में ना आए तो अपने डायग्राम बनाओ. सबसे पहले तुमने ये बना लिया, ये मेरी लाइन है और कलर के बनाते हैं. ये लो ये मेरी लाइन मैंने बना ली. ये सर सीसी डैश डिक्रीज होगा सर. रुको तो बेटा एक बार देखो. ठीक है मानते हो जो सीसी डैश है वो बेसिकली क्या है, आर आर डैश और ये दो पॉइंट राइट. सपोज इसको मैंने बोल दिया एक्स राइट. मानते हो ना. तो मुझे को पता है कि व्हेनेवर जब भी मैं हीट करूंगा तो आर विल इंक्रीज, ये तो पता लग गया सबको अभी बताया था. चाहे वो चीज खाली हो या इंक्रीज हो, जैसे कि इसकी बात करूंगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ना ही पड़ेगा ना. तो इंक्रीज आर डैश विल इंक्रीज. अब बात करते हैं. अब बताओ ये जो लाइन थी इसमें ये जो आर है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, आर डैश की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई और ये पॉइंट है, इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया पी, इसको मैंने बोल दिया पी. क्यों हो जाएगी मुझे बताओ ना कि पी क्यू क्या है, एक वो बन गया सर. लेकिन कोई भी दो पॉइंट्स होंगे तो उनका डिस्टेंस बढ़ना चाहिए ना. यस तो पी क्यू एक क्या बन गया, लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा. पी क्यू इज अ रॉड राइट. एक रॉड को अगर मैं हिट करूंगा तो क्या होगा, उसका एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा. होगा सर. यस सो दिस विल आल्सो इंक्रीज. अगर मैं इसमें बोलूं फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन आर आर डैश एंड और सी सी डैश कैसा आएगा, इक्वल आएगा सेम आएगा. फ्रैक्शनल चेंज इन आर, फ्रैक्शनल चेंज इन आर डैश, फ्रैक्शनल चेंज क्योंकि एक ही मटेरियल सेम, क्योंकि तीनों के तीनों चीजें कैसी हैं, लीनियर हैं और तीनों का अल्फा भी सेम है. देखो ना यहाँ पे क्या कहा था, वायर और डिस्क का अगर मटेरियल सेम है तो जो फ्रैक्शनल चेंज आए थे वो सेम आए थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं. तो तुम यू कैन चूज एनी टू पॉइंट ऑन द सिस्टम, एनी टू पॉइंट व्हाट एवर यू लाइक, द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट विल डेफिनेटली इंक्रीज इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज. फाइन अभी क्लियर. यस चलो आगे आते हैं. फिर हमारे पास में आता है क्यूबिक एक्सपेंशन. क्यूबिक बोल दो या फिर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोल दो, एक ही बात है. क्यूबिक के अंदर सपोज तुमने एक ये ले लिया, इसका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, इसको हीट अप किया टी से टी प्लस डेल्टा टी, तो सिंपली वो ये बार बार चीजें सेम आएंगे. डेल्टा वी इक्वल टू बन जाएगा वी नॉट, यहाँ पे मैं सिंबल काम में लेता हूँ गामा, तो क्या बन जाएगा गामा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन. थ्री अल्फा हो जाएगा क्या. अब देखो क्यूबिक एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम तो तुम्हारा क्या बोलते हैं लिक्विड का भी बढ़ सकता है, गैस का भी बढ़ सकता है और सॉलिड का ही बढ़ सकता है. अब मुझे बताओ जब हम बात करते हैं गैस और लिक्विड की, तो गैस और लिक्विड को जब तुम हीट करते हो तो क्या चीज इंक्रीज होती है, लेंथ एरिया या वॉल्यूम. वॉल्यूम ओनली वॉल्यूम. तुम उसको जिस शेप में डालोगे वो शेप ना बन जाएगी, अगर वो शेप फ्लैट है तो फ्लैट बन जाएगा, लीनियर है तो लीनियर बन जाएगा. इसलिए जब भी तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर लिक्विड का दिया होगा तो लिक्विड के लिए वो हमेशा ही क्या देंगे तुमको गामा देंगे. लेकिन अगर मैं बात करूंगा सॉलिड्स के, सॉलिड के लिए वो तुमको हमेशा ही क्या देंगे अल्फा देंगे. ठीक है क्योंकि सॉलिड में जो एक्सपेंशन होता है लीनियर ही होता है. अब तुमको आगे क्या बनाना है तुम्हारी मर्जी है. जैसे सपोज एक हमने ये ले लिया क्यूबॉइड ले लिया एक्स वाई जेड, ये इसके इनिशियल लेंथ है और तुमको अल्फा गिवन है, तो मतलब एक्स डैश क्या बन जाएगा, x is the length,
तो क्या बन जाएगा x 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, वैसे ही y डैश बन जाएगा y 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, z डैश बन जाएगा z 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा v डैश क्या बन जाएगा, v डैश v नॉट इसका क्यूब तो 1 प्लस 3 अल्फा इनटू डेल्टा टी, तो मैं लिख सकता हूं फॉर सॉलिड्स, ठीक है, गामा इज 3 अल्फा, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर पावर कितना आता है और लेंथ का क्यूब आता है, क्यूब, तो तुम्हारे पास में ये बन गया। अब सेम चीज बताओ, अगर तुम्हारा कंटेनर खाली है या कंटेनर तुम्हारा सेम मटेरियल से भरा हुआ है, उसको सेम टेम्परेचर से मैंने इंक्रीज किया, तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा क्या वो सेम आएगा या फिर अलग अलग आएगा? सेम आएगा, सेम आएगा। जैसे जैसे सपोज ये मेरे पास एक ये है ना कंटेनर है एक, सर वो सेम इसलिए आ रहा है ना क्योंकि हम लोग का जो एक्सप्रेशन है उसमें बस दो टर्म्स है जो वेरिएबल है अल्फा और डेल्टा टी, तो डेल्टा, मैं कह रहा हूं कि अगर उसके अंदर भरा हुआ होता तो भी जो अपना फ्रैक्शनल चेंज है वो तो सेम ही होता, ये वॉल्यूम मान लो v नॉट है और ये कैसा है खाली और ये मेरा पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम भी v नॉट, ठीक है, इसके लिए तुमको अल्फा दिया हुआ है, इसके लिए भी अल्फा दिया हुआ है, मान लो दोनों सॉलिड अपने मटेरियल के हैं, अगर दोनों को मैं हीट अप करूंगा बाय डेल्टा टी, तो इसका वॉल्यूम भी फाइनली कितना हो जाएगा, v नॉट 1 प्लस 3 अल्फा इनटू 3 अल्फा, और इसका भी कितना हो जाएगा v नॉट 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा इनटू, इसमें बोलोगे कि जो अंदर जो तुम्हारा मटेरियल था वो मटेरियल का इतना वॉल्यूम बढ़ गया है, इसमें क्या बोल सकोगे कि अब तुम इसके अंदर इतना वॉल्यूम फिल कर सकते हो बिकॉज फ्रैक्शनल चेंज इन दीज टू पॉइंट्स और दीज टू पॉइंट्स ले लो सारे, वो फ्रैक्शनल चेंज तो सेम ही आना चाहिए ना क्योंकि उनका डिस्टेंस तो उतना इंक्रीज होना चाहिए, सेम शेप भी सेम रहेगा, जो शेप खाली वाले का रहेगा वही शेप किसका रहेगा, भरे वाले का, ठीक है, लेकिन खाली वाले में हम लोग जो मटेरियल भर पाएंगे बाद में उसकी डेंसिटी नहीं, वो आगे की बात, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो वो तो आगे की बात है, वो तो हमारी मर्जी है ना क्या भरना है उसके अंदर, आगे तुम क्या कर रहे हो उसके अंदर, पानी भर रहे हो सॉलिड भर रहे हो, वो तो मैं अलग चीज आ गई ना, हमारा पर्पस क्या है, अगर हॉलो इसमें हम लोग, हां हॉलो वाले में अगर हम लोग लिक्विड भी भरेंगे कोई और फिर हीट, अरे तो लिक्विड करके हीट करोगे तो सॉलिड का एक्सपेंशन अलग होगा लिक्विड का अलग होगा, जैसे कभी तुमने देखा है, सुनो 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 अरे सुनो, कभी तुमने देखा है किचन के अंदर दूध गर्म करते हो तो दूध बाहर आ जाता है, क्यों आता है, एक्सपेंड हो रहा है उसका वॉल्यूम, क्योंकि जो अंदर मिल्क है उसका एक्सपेंशन हो गया, अब देखो लिक्विड का एक्सपेंशन ऑब्वियसली कैसा होता है, ज्यादा होता है और सॉलिड का एक्सपेंशन बहुत कम होता है, इसलिए तुम्हारा मिल्क बाहर आ गया, अगर तुम्हारे कंटेनर का एक्सपेंशन भी उसी रेशो में हो रहा होता तो कंटेनर भी बड़ा हो रहा है मिल्क भी फैल रहा है तो क्या कभी बाहर आएगा, नहीं आएगा सर, लेकिन हम लोग उसे ओपन कंटेनर में करते हैं ना, अगर बंद कंटेनर में किया और लिक्विड ज्यादा तेजी से एक्सपेंड हो रहा है और सॉलिड कम से हो रहा है तब क्या होगा, तो यार वो तो मतलब कि वहां तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया ना, फिर अगर तुम खाना प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स है ना, हां सर, वो तुमने हुक लगा रखा है, तो ये सारी चीजें कब हो रही है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे तो कोई चीज अपने एक्सपेंड ही नहीं हो पाएगी, एक रॉड है जिसको तुमने वॉल दो वॉल के बीच में लगा दिया है फिक्स कर दिया है, अब तुम उसको हीट अप कर रहे हो तो क्या वो एक्सपेंड हो पाएगी, नहीं नहीं, तो ठीक है वो नहीं होगी, वो तो ये तो ओपन है भाई, तभी तो बोला ना कि दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम लेंथ, अगर तुम उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स है उसके ऊपर, अब देखो इसी के अंदर आएगा अपना डेंसिटी का टर्म आएगा, डेंसिटी कैसे वेरी करेगा, तो क्या पहले अपने हिसाब से बताओ क्या और डेंसिटी में चेंज आना चाहिए, यस सर, वॉल्यूम बढ़ रहा है और मास सेम ही है तो भाई मास अगर देखो मास अगर सेम है और तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया
तो ऑब्वियसली बात है ना तुम्हारा जो डेंसिटी है कम हो जाएगा। तो देखो सर हम लोग कुछ मतलब वो फोर्स निकाल सकते हैं कितना एग्जर्ट करेगा वॉल्यूम एक्सपेंड होने पे, वो आगे की बात है, वो हम देखेंगे अपने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब अपने इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस इसको देखेंगे। अभी हमारा काम है कि क्या हो रहा है बस उसको देखना। तो सपोज इसका इनिशियल इसका मास है m, ठीक है, और वॉल्यूम इसका तुमको अपने डेंसिटी दिया हुआ है d नॉट, तो इसका अपने वॉल्यूम कितना बन गया भाई? हाँ ये अब सपोज इसको मैंने हीट अप कर दिया, ठीक है, इसको हीट अप कर दिया बाय डेल्टा टी। तो अगर ये सॉलिड होता तो तुमको अल्फा गिवन होता, और अगर लिक्विड होगा तो क्या दिया होगा? गामा। तो सपोज ये तुम्हारे पास लिक्विड है तो तुम्हारे पास न्यू जो वॉल्यूम आएगा वो क्या बन जाएगा? वी, वी बन जाएगा वी नॉट वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, ये आ गया ना न्यू वॉल्यूम। अब मास तो उतना ही है तुम्हारे पास में, मास तो अगर सपोज तुमने पूरे कंटेनर को ऐसा क्या बाहर को जा नहीं रहा है तो मास इज कंजर्व, तो जो तुम्हारा डेंसिटी बन जाएगा न्यू डेंसिटी घट जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा डेंसिटी बताओ? मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तो उतना ही है, वॉल्यूम हमारा हो गया वी नॉट वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, ये क्या बन गया डी नॉट, तो ये बन गया डी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी की पावर माइनस वन। अब यही हमारा वही चीज, गामा इज वेरी लेस, गामा अगर बहुत छोटा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको डी नॉट माइनस गामा डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी। अगर मैं बात करूं सॉलिड्स की तो क्या बन जाएगा डी डैश इक्वल टू डी नॉट वन माइनस थ्री अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना, दिस इज फॉर लिक्विड गैस, ये हमारे पास सॉलिड्स के लिए होगा क्योंकि सॉलिड्स के अंदर हमको अल्फा दिया होता है, ठीक है। हाँ भाई यस, अब देखो अब इसके ऊपर मतलब एक एग्जांपल करता हूँ जिसके अंदर सारे केस है ना वो कर लेंगे ना कवर कर लेंगे। जैसे सपोज हमारे पास एक है ना कंटेनर है, इसकी हाइट इनफाइनाइट है, हाइट हमको पता, इसका हमको एरिया दिया हुआ है बेस का, बेस का एरिया दिया हुआ है ए, ठीक है, और ये जो है मटेरियल जो है इसके लिए हमको अल्फा दिया हुआ है ना भाई, जो भी तुम्हारा कंटेनर होगा कंटेनर विल ऑलवेज बी सॉलिड, और सपोज इसके अंदर तुमने लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड की ओरिजिनल हाइट तुमको दी हुई है h नॉट, सपोज मैं h बोल देता हूं, और लिक्विड के लिए हमेशा तुमको क्या देंगे? गामा देंगे ना, गामा देंगे, ठीक है, ओके। तो केस वन, अल्फा इज जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा कंटेनर है उसके अंदर एक्सपेंशन नहीं होगा, बट गामा इज नॉट इक्वल टू जीरो, गामा जीरो नहीं है। अब तुम इसको हीट अप कर रहे हो तो क्या होगा? लेवल राइज का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा वैल्यू, और सर कंटेनर तो चलो देखते हैं, हाँ कंटेनर, कंटेनर के वॉल्स पे थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट होगा। अरे अभी यार फोर्स लगेगा प्रेशर लगेगा मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, अभी अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि कहाँ एक्सपेंशन होगा, हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, इसका एरिया उतना ही रहेगा राइट। अब ये तो हमको पता है कि भाई वॉल्यूम है ना बढ़ने वाला है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऊपर तक आएगा, और ये हाइट सपोज मैंने बोल दी एच डैश, ठीक है। तो अब देखो अब बताते हैं, तो जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था वी नॉट वो कितना था भाई? V बोल देते हैं, तो V हमारे पास में A into H, ओके। अभी हमारे पास जो V आएगा वो क्या बन जाएगा?
h डैश, लेकिन मुझे ये पता है कि अब जो मेरा v डैश आएगा वो क्या बन जाएगा, v नॉट 1 प्लस गामा इनटू डेल्टा t, ये होगा ना? हाँ सर। अगर v नॉट जो अपना v है उसकी वैल्यू को अपने पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, a h 1 प्लस गामा इनटू डेल्टा t। अब जो मेरा v डैश है उसको मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया a, तो अपना कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब h डैश क्या बन जाएगा, h 1 प्लस गामा इनटू डेल्टा t। देखो तो अगर मैं यहाँ पे लिक्विड के दो मॉलिक्यूल की बात करता कि एक मॉलिक्यूल यहाँ बैठा है एक मॉलिक्यूल यहाँ बैठा है, इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस कितना था, h, तो अगर यहाँ पे अल्फा की टर्म में बात करूं तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए था, h into 1 plus alpha delta, alpha into delta t। लेकिन यहाँ लिक्विड है, लिक्विड कैन फ्लो, उसको तुम जिस शेप में डालते हो उस शेप में हो सकता है। तो ये जो चीज है भाई, हम अगर तुम्हारे हाथ के अंदर ग्लास रखा हुआ है, ग्लास में लिक्विड है, लिक्विड अपना एक्सपेंड हुआ, तो तुमको वो जो एक्सपेंशन है फील कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ हाइट। अगर उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है तो तुम कहते हो अरे वाह इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अगर हाइट अपना डिक्रीज हो गया तो तुमको लगेगा कि उसका वॉल्यूम अपना डिक्रीज हो गया। तुम तो हमेशा उसको देखते हो ना, लेवल को देखते हो सर, बट इस केस में शेप तो सेम ही रहेगा ना, शेप सेम रहेगा क्योंकि तुम्हारा सिलेंड्रिकल है। अगर सपोज यहाँ पे और कुछ होता, कॉनिकल होता, हाँ सर, तो फिर ये काइंड ऑफ जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है उसमें तो लीनियर एक्सपेंशन जैसे हो गया ना। यस, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने तुमको ऐसा दे दिया लीनियर, क्योंकि उस पे भी कंस्ट्रेंट लगा है कि वो लीनियरली एक्सपांड कर पाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लेंथ वाला लगा सकते हैं ना। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं थोड़ा सा ना रैंडम शेप का लेता हूं, सपोज एक मैंने कंटेनर ऐसा ले लिया, ठीक है, और सपोज इसके अंदर इतना पानी है भरा हुआ था ये वाला, इसके लिए तुमको गामा दिया हुआ है, इसके लिए तुमको अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है, जो बाहर वाला जो है ना कंटेनर वो है VC और ये तुमको दिया हुआ है VL। अब बताओ, अब मैं इनको हीट करूंगा बाय डेल्टा टी, तो जो मेरा पहले ये बता रहा, कंटेनर का साइज भी इंक्रीज होगा ना अगर मैं हीट करूंगा तो, यस यस सर, और कंटेनर का साइज अन कितना हो जाएगा, जो मेरा न्यू जो आएगा VC डैश वो क्या बन जाएगा, VC 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा t अल्फा इनटू डेल्टा t बिकॉज़ दैट इज सॉलिड। ठीक है, अब मैं लिक्विड की बात करता हूं, VL लिक्विड क्या बन जाएगा, वो VL 1 प्लस गामा डेल्टा t, गामा इनटू डेल्टा t। आप बताओ लिक्विड का जो लेवल है, लेवल हम तो उसी को देखते हैं ना, लेवल को वो है ना इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। अगर सपोज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का एक्सपेंशन ज्यादा हो गया और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का एक्सपेंशन कम है तो वाटर लेवल या फिर जो भी लिक्विड का लेवल है दैट विल ड्रॉप, है ना। अगर लेवल ड्रॉप हो गया इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमको क्या फील होगा, हमें को लगेगा वॉल्यूम कम, लिक्विड कम हो गया। यस, तो इसी को हम बोलते हैं एपरेंट, एपरेंट एक्सपेंशन। मतलब कि देखो यहाँ पे जो हमारा लिक्विड है उसका मतलब एक्चुअल एक्सपेंशन कितना हुआ है, ये हुआ है ना, ये तो एक्चुअल है, लेकिन हमको क्या फील होगा, हमको फील होगा कि दोनों में से कितना चेंज हुआ है, मतलब कि हमारा कंटेनर भी तो बड़ा हुआ है ना सर। अगर 3 अल्फा गामा से बड़ा है तभी होगा ना सर, अगर 3 अल्फा गामा से बड़ा है तो लिक्विड लेवल विल ड्रॉप, राइट, हाँ सर, और अगर वो कम है तो सर फिर लिक्विड राइज करेगा ऐसा लगेगा। यस भाई, वो तो होता ही है ना लाइफ में, जब तुम मिल्क को हीट अप करते हो तो तुम मिल्क बाहर ही आता है यार, कभी उसका लेवल गिरता नहीं है क्योंकि लिक्विड के अंदर एक्सपेंशन ज्यादा होता है, गैस के अंदर और भी ज्यादा होता है, सॉलिड्स के अंदर सबसे कम होता है। लेकिन बस 3 अल्फा गामा पे नहीं डिपेंड करेगा ना, VC और VL पे भी तो डिपेंड करेगा ना,
उनपे भी डिपेंड करेगा ना कि अगर तुमने कंटेनर के अंदर सपोज तुमने बहुत बड़ा कंटेनर ले लिया, उसमें मतलब कि मान लो 100 ml का मिल्क डाल दिया, क्या वो मिल्क कभी बाहर आ पाएगा? मिल्क सर एक्सपैंड भी होगा तभी ऐसे लगेगा कि और नहीं, रेशियो अगर 1 से बड़ा आ गया तो फिर बोल सकते हैं। ओके चलो ठीक। हाँ सपोज अगर मैंने इसको इक्वल ले लूं, मैं ठीक है इक्वल ले लिया मैंने, सपोज ये मेरे पास कंटेनर है VC, नहीं इसको एन वी बोल दो, बस वी बोल दो वी इसका, और इसके लिए तुमको अल्फा दिया हुआ है और लिक्विड तुम्हारा पूरा भरा हुआ फिल्ड एकदम ऊपर तक, ठीक है सर, फिर बस वो अल्फा और गामा फिट करते हैं। रुको रुको, हाँ अब मैंने इसको मैं हीट अप कर दिया डेल्टा टी से, इसके लिए गामा दिया हुआ है। अब देखो अगर लिक्विड तुम्हारा कंटेनर से बाहर आ गया तो तुम क्या बोलोगे? गामा इज ग्रेटर देन, नहीं 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 नहीं, तुम बोलोगे लिक्विड का एक्सपेंशन हुआ, राइट? भाई अगर तुम्हारा ग्लास के अंदर पानी फुल भरा हुआ है, थोड़ी देर बाद में पानी बाहर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हैज इंक्रीज। और अगर मान लो वाटर लेवल इसमें गिर गया तो डिक्रीज डिक्रीज। अब देखते हैं, बोलेंगे अब, कि अब हमने बोला कि वॉल्यूम ऑफ ना कंटेनर हमारा कितना बन गया बताओ? वो बन जाएगा v 1 plus alpha into delta t। वॉल्यूम ऑफ ना लिक्विड कितना बन गया? v into 1 plus gamma delta t gamma into delta t। अब अगर मैं बात करूं इसमें बोलता हूं apparent expansion, इसका मतलब कितना हुआ है? जितना लिक्विड बाहर जाएगा उसी को बोलूंगा ना कि भाई इतना एक्सपेंड हुआ है, जितना पानी बाहर गया उसको बोल दूंगा कि यार ये लो इतना तो मेरा क्या हुआ एक्सपेंशन हो गया। तो एपरेंट एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि वी एल माइनस, ये मेरा एपरेंट एक्सपेंशन है, ठीक है। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो तो बन जाएगा वी वन, कि अगर गामा की वैल्यू 3 अल्फा से ज्यादा है तो लिक्विड बाहर आएगा, ऑब्वियसली बात है यार, ठीक है, तो हमको लगेगा एक्सपेंशन हो गया। और अगर गामा इक्वल टू और 3 अल्फा है तो जैसे अपने थे ना ऑप्टिक्स में एपरेंट हाइट वगैरह थे उसी टाइप से, तो दीज आर एपरेंट। तो इसको तुम क्या बोल सकते हो गामा माइनस अल्फा, इसको एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हम बोल सकते हो ना, जो हमको फील हो रहा है बस। तो ऐसी कोई स्टैंडर्ड टर्म है नहीं, लेकिन कभी कभी मान लो कोई बोल दे तो क्या है? अब कोई पूछे कि हाउ मच मास केम आउट, कितना मास बाहर आ गया, निकाल सकते हैं सर? डेंसिटी तो मास पता होगा, मतलब वॉल्यूम ये है ना, इतना एक्सपेंशन हुआ है मतलब इतना वॉल्यूम केम आउट, राइट? और ना डेंसिटी कितना हो गया अब? डी नॉट 1 माइनस गामा इनटू डेल्टा टी। अब इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई कर देंगे फिर तो हमारे पास में वो आ जाएगा कि इतना मास हमारे पास में बाहर आ गया। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, और फिर सिलेंडर वाला, सिलेंडर वाला
हो गया। तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कहीं एक कंटेनर में ये रखा हुआ, बताओ कहाँ एक्सपेंशन होगा, तुमको तीन चार चीजें दे देंगे, फिर पूछेंगे कि कंपैरिजन करके बताओ कितना हुआ है ना। तो फॉर्मूले कोई इतने हमारे पास खतरनाक नहीं है। यही फिर हमारे पास में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं बायमेटलिक स्ट्रिप। तो मतलब दो अलग अलग मटेरियल साथ। कभी तुमने देखा है कि जब फायर लगती है कहीं पे तो मतलब के अलार्म बजने लग जाता है, फायर अलार्म जो होते हैं उनका मैकेनिज्म क्या होता है, क्या मैकेनिज्म होता है उनका? उसमें दो अलग अलग हीट होंगे तो फिर एक्सपैंड होके वो टच होते हैं, सब कंप्लीट होता है, राइट? तो देखो बायोमेटलिक स्ट्रिप का मतलब होता है कि देयर आर टू स्ट्रिप जिनका इनिशियल लेंथ सेम है। तो एक स्ट्रिप मान लो ये है, ठीक है, इसका लेंथ मैंने बोल दिया L, और एक इसके साथ में एक और स्ट्रिप है जिसको पूरा चिपकाया हुआ है साथ में, yes। इसके लिए सपोज तुमको दिया हुआ है अल्फा वन, इसके लिए तुमको दिया हुआ है अल्फा टू, और किसी एक तुमने अपना टेम्परेचर ले लिया, मान लो रूम टेम्परेचर ले लिया जिसके ऊपर तुमने ये कर दिया। अब अगर मैंने इसको हीट अप किया और मैंने तुमको दिया हुआ है कि अल्फा वन ग्रेटर देन अल्फा टू, तो अल्फा वन अगर ग्रेटर देन अल्फा टू है तो कौन से रोड में एक्सपेंशन ज्यादा होगा? ऊपर वाले, ऊपर वाले में, नीचे वाले में कम होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो क्या होगा इस रोड का? तो ये जो रोड है ना, वाले का लेंथ जो फाइनल है वो ज्यादा हो जाएगा नीचे वाले, तो ऊपर वाले का भी होना है और एक्सपेंशन हमारा रहा और नीचे वाले का भी होना है। तो अब अगर अल्फा वन बढ़ा है ना तो पहले वाली रोड में एक्सपेंशन ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो रोड है ये कुछ ऐसे बन जाती है फिर सर्कुलर, सर्कुलर आर्क बन जाएगा। अब देखो सर्कुलर आर्क में एक अच्छी चीज होती है कि अगर तुम्हारे पास में दो स्ट्रिप ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, बाहर वाली का जॉइंट है एकदम चिपकाए हुए हैं, वेल्डिंग किए हुए हैं, अगर वो नहीं होंगे फिर तो अलग अलग ही आ जाएंगे दोनों की, क्या दिक्कत है? हां सर ठीक, वही कंफ्यूज है। तो ये लो अब देखो, क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि बाहर वाली के अंदर अपना एक्सटेंशन ज्यादा हुआ अंदर वाले में कम हुआ? देख ही रहा है ना? यस सर, यस। और जितना ज्यादा तुम्हारा कहते हैं टेम्परेचर में राइज होगा ये जो आर्क है ये उतना ही ज्यादा वो हो जाएगा, इसका एंगल कम बन जाएगा। तो देखो ये तो सर्कुलर आर्क है, सपोज किसी पॉइंट के ऊपर यहाँ कहीं इसका आता है मान लो सेंटर आ गया और ये एंगल मान लो तुम्हारे पास में थीटा बन गया। तो ये जो जो येलो वाला जो है इसका मान लो इसका ओरिजिनल लेंथ था एल, तो अंदर वाले का लेंथ कितना हो जाएगा अभी वो येलो वाले का? एल वन प्लस अल्फा टू इंटू डेल्टा टी, और इसका कितना जो बाहर वाले का? एल वन प्लस अल्फा वन इंटू डेल्टा टी। कर सकते हैं ना? ओके। अब देखो सपोज हमने एक ये जो जो इनिशियल था ना इसके का ये जो थिकनेस बोल दिया डेल्टा, सपोज डेल्टा, तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया मीन रेडियस, इसको मैंने बोल दिया मीन रेडियस। तो जो ये अंदर वाला रेडियस है ये मेरा बन जाएगा आर माइनस डेल्टा बाई टू, और जो बाहर वाला है बाहर वाला बन जाएगा इक्वली इक्वली थिक थोड़ी होगा, ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा थिक होगा ना? ज्यादा ऊपर वाले का मतलब डेल्टा इक्वली थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? नहीं नहीं वो तो हम अपने अज्यूम करके चल रहे हैं ना, डेल्टा इज वेरी स्मॉल स्ट्रिप बोल रहे हैं उसको बस। सर मैं बोल रही हूं कि डेल्टा बाय 2 थोड़ी होगा दोनों का, राइट? नहीं वो तो हमने बनाई है ना, वो तो भाई जो स्ट्रिप है वो तो हमने बनाया एक्सपैंड करने के बाद, ये एक्सपैंड नहीं कर रहा ना बस लीनियर।
जो उनका एक्सपेंशन लीनियर हो रहा है ना, थिकनेस बहुत कम है ना, तभी तो स्ट्रिप बोला, नहीं तो इसको वो बोल देते ना बीम बोल देते, जिसके अंदर मतलब एक और पैरामीटर होता, तो ये अप्रोक्सीमेशन है पूरा, देखो ना भाई, मैं एंगल विद अप्रोक्सीमेशन ही बना रहा हूँ ना, तो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या बन जाएगा, आर प्लस डेल्टा बाई टू इंटू थीटा, ये क्या बन जाएगा, एल वन प्लस अल्फा वन इंटू डेल्टा टी, और आर माइनस डेल्टा बाई टू इंटू थीटा क्या बन जाएगा, एल वन प्लस अल्फा टू बाई डेल्टा टी। तो हमको फॉर्मूले का इसके अंदर कोई यूज नहीं है, इसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन हम कहाँ लेके आए। तो एप्लीकेशन देखो, इसका का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब थर्मल एक्सपेंशन होगा, बायोमेटेलिक स्ट्रिप होंगी, तो जिस रॉड का अल्फा ज्यादा है, ठीक है, इसका अल्फा ज्यादा है ना, उस साइड तुम्हारे जो सरफेस है दैट विल बिकम कॉन्वेक्स, देखो ना कॉन्वेक्स वाला सरफेस बन गया, और जिस रॉड का अल्फा कम है उसकी तरफ क्या बन जाएगा, कॉनकेव। तो अगर एक सिंपल सा ही कहते हैं सर्किट अगर मैं बना दूं, सपोज ये मेरे पास एक सर्किट है, यहाँ पे ये लगी हुई है, बेल लगी हुई है एक, ठीक है, और यहाँ पे एक हमने लगा रखी है बैटरी। अब मुझे कहते हैं सर्किट को कंप्लीट करना है, ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमने इसको लगा दिया, ये स्ट्रिप लगा दिया जो ऊपर वाले का अल्फा वन, नीचे वाले का अल्फा टू, और मैंने दे दिया अल्फा वन ग्रेटर देन अल्फा टू, और ये पॉइंट मेरा फिक्स है, इसको मैंने फिक्स किया हुआ है। तो अब जब इसमें एक्सटेंशन आएगा तो ये रोड कहाँ की तरफ है ना, बेंड होगा, नीचे की तरफ होगा, है ना। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक ऐसा एक वो लगा दिया वायर, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो अभी हमारा सर्किट कैसा, ओपन सर्किट है ना, कनेक्टेड नहीं है वो। जैसे ही वो रॉड हीटअप होएगी, हीटअप होएगी तो वो नीचे की तरफ है ना बेंड होएगी, नीचे की तरफ बेंड होएगी, हमारे पास में ऐसे आ जाएगा ये ना, ऐसा हो जाएगा ना। जैसे ही ऐसा हुआ तो हमारा कहते हैं सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास बेल है ना बजने लग जाएगी। और जैसे ही रोड के अंदर ठंडा होगा वो हमारे पास है वापस ऊपर चला जाएगा। एमसीबी के अंदर भी ऐसा ही होता है, जो अपने ना इलेक्ट्रिक जो होता है ना, जो एमसीबी देखा किसी ने कभी कभी ऑटोमेटिकली अपने ट्रिप हो जाता है वो। हाँ सर। जब तुम्हारे घर के अंदर हाई करंट आ जाता है तो जो एमसीबी है वो ऑटोमेटिकली अपनी ट्रिप हो जाती है। उसका प्रिंसिपल भी यही है, थर्मल एक्सपेंशन यूज है ना, क्या चीज जो ट्रिप करता है वो फ्यूज का। नहीं नहीं, फ्यूज के अंदर क्या होता है कि जो वायर होती है जल जाती है, वो बर्न आउट हो जाती है वो, उसके अंदर एक पहले यूज करते हैं उसको रिप्लेस करना बात। ये हां भाई देखो, फ्यूज के अंदर एक वायर होती थी जो कि है ना, उसके अंदर हाई करंट फ्लो होता था तो उसका का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता था, तो वायर मेल्ट हो जाता था, तो तुम्हारा सर्किट अपने आप ही टूट गया, तो ओपन सर्किट हो गया वो। फिर तुम जाते थे फ्यूज के अंदर, दूसरा वायर लगा के उस फ्यूज को वापस लगा देते थे। तो ये तो टेक्निक है पुरानी थी। अब जो एमसीबी है वो थोड़े अच्छे क्वालिटी वाले आने लगे, एमसीबी इज गुड, क्योंकि तुमको बार बार ना रिप्लेस नहीं करना है। जैसे ही हाई करंट आता है, तुमने इसका इलेक्ट्रिक का देखा हुआ है ना, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर किसी वायर में से या मेटल में से जब करंट फ्लो होता है तो वो हीटअप हो जाता है, राइट। और जब वो वायर हीटअप हो जाएगा, सपोज एक स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप में से एकदम से हाई करंट फ्लो हुआ तो वो हीटअप हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी तो उसमें एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन करके वो कुछ ऐसा कर देगा, एक अदर सर्किट को पूरा कर देगा, या फिर काम करेगा उस वाले सर्किट को हटा देगा। सपोज इसी चीज को जो कि परमानेंट एंड कनेक्टेड थी है ना, और मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊं तो क्या होगा, कहते हैं सर्किट मेरा हट जाएगा ना भाई, कहां गया। सपोज हमारे पास एक ऐसा है, एक ये यहाँ पे लगे हुए और ये यहाँ पे एक ये है वायर, ये हमारे पास बैटरी है,
करंट फ्लो कर रहा है पूरा, ये मेरे पास में अल्फा वन, ये मेरे पास में अल्फा टू, अल्फा वन ग्रेटर देन अल्फा टू। अब सपोज एकदम से हाई करंट आ गया तो एक्सपेंशन होएगा, है ना, हीट अप होएंगे ना चीजें। तो ये जो रोड है कहां की तरफ है ना, बेंड होएगा, यहां की तरफ हो जाएगा ना ऐसे। तो अब देखो हमारा ओपन सर्किट हो गया, जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो हमारे घर के अंदर लाइट नहीं आएगी, तो हम इसको ना मल्टीपर्पज काम में, वो हमारी मर्जी है ना। देखो एक ही होती है साइंस, एक होती है इंजीनियरिंग, ये साइंस है। साइंस ने हमको बता दिया कि भाई अगर किसी स्ट्रिप या वायर में से अगर तुम ऐसा बना दोगे तो एक्सटेंशन होगा। अब इस पे इंजीनियरिंग लगाओ कि तुमको इससे क्या बनाना है, तुमको इससे एमसीबी बनाना है, तुमको इससे फायर अलार्म बनाना है या क्या बनाना है, वो हमारे पास में इंजीनियरिंग है। इसमें अल्फा 2 बड़ा होगा ना शायद। हाँ अल्फा 2 बड़ा होना चाहिए उसमें, अल्फा 2 बड़ा होगा तो फिर ऊपर की तरफ बैंड हो जाएगा वो। अब जैसे ही वो चीज कहते हैं ठंडी होएगी, कूल डाउन होएगी, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी फिर ना। तो ये साइकिल हमारे पास चलते रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई अपना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ खैर एक दो क्वेश्चन आएंगे डिफिकल्ट, वो भी अपने बताऊंगा मैं। फिर एक चीज देखते हैं लास्ट चीज टॉपिक। तो किसी भी मटेरियल को कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट होगा ना? यस, थर्मल स्ट्रेस। हाँ बोलो बोलो। सर तो अगर हाइपोथेटिकली हमने टेम्परेचर जीरो कर दिया, जीरो केल्विन। अरे भाई अब तुम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाओगे तो हाँ, फिर उसके बाद सर फिर तो वॉल्यूम भी जीरो होना चाहिए ना? जीरो नहीं होगा। क्यों, तुमको किसने बोला कि दो एटम के बीच का दो एटम के बीच का डिस्टेंस थोड़े जीरो हो जाएगा, उनका वाइब्रेशन जीरो हो जाएगा, जो उनका साइज थोड़ी ना जीरो मैक्सिमम हो जाएगा, जीरो थोड़ी ना हो जाएगा भाई। जो अपने एटॉमिक जो डिस्टेंस है वो तो होएगी ना, ये एक एटम है, ये एक एटम है, पहले ये एटम यहाँ थे, यहाँ था, यहाँ था, इनके बीच का डिस्टेंस था आ, अब क्या हो गया आर डैश। तुम उस डिस्टेंस को जीरो थोड़ी ना कर सकते हो। सर अगर किसी सॉलिड को जीरो केल्विन पे लेके गए तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मतलब माइन्यूट फर्क पड़ेगा, बहुत सिग्निफिकेंट फर्क नहीं? यस नहीं नहीं नहीं, वही तो कह रहे हैं ना कि सॉलिड के अंदर ये कहोगे कि हाँ ठीक है, उस टेम्परेचर के ऊपर जो मॉलिक्यूल है वाइब्रेट करना बंद कर देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसका एक वो कहते हैं लैटिस तो है पूरा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन देखेगा सर? कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस बहुत कम हुआ, क्योंकि जो सॉलिड का जो लैटिस जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, ये हो गया सॉलिड स्टेट चैप्टर केमिस्ट्री में? नहीं सर। तो उसमें देखोगे सॉलिड का जो है ना स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको बोलता है लैटिस, वो बहुत स्ट्रांग होता है। एक सॉलिड काफी सारे उनके साथ के अंदर बना के रखता है, बॉन्ड बना के रखता है, तो तुम उसको छोटा कर सकते हो, जीरो थोड़ी ना कर सकते हो। बस सॉलिड भी एक कॉन्ट्रैक्ट तो होते ही है, लेकिन एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस उनका जो जो एक्सटेंशन या फिर जो कंप्रेशन है दैट इज वेरी लेस। ओके अब थर्मल स्ट्रेस से पहले मैं तुमसे कुछ चीजें पूछूंगा वो बताना। स्ट्रेस वर्ड किस किस ने सुना है? सर जो एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है वो भी सेम ही रूल्स फॉलो करता है क्या? जो सब फॉलो करता है कौन 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 सर? वाटर का जो एनामलस एक्सपेंशन होता है, नहीं 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 नहीं, वो क्या करता है कि उस टेम्परेचर पे आके वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह के फैक्टर आ जाते हैं, इसलिए उसके अंदर बोलते हैं कि वाटर उस टेम्परेचर पे को एक अलग जो है ना बिहेवियर को शो करता है। सर तो फिर बट फिर उसका भी वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो सेम ही होगा ना? V0 1 plus gamma delta T, वो नहीं, भी अलग तो
नहीं तो उसका जो गामा जो है उस पॉइंट पे अपना बदल लेगा, साइन बदल लेगा, वो वन पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। ओके नाम सुने हैं ये स्ट्रेस स्ट्रेन? हाँ सर। हाँ सर। कहाँ सुने हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड। हो गया चैप्टर ये वाला? स्कूल सिलेबस में हो गया होगा ना सबका? हो गया, चलो वेरी गुड। स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेस? कुछ कांस्टेंट टेंशन सॉर्ट ऑफ लगा है सर। डेल्टा एल अपॉन एरिया। क्या क्या फोर्स अपॉन एरिया? कौन सा फोर्स सर? वो रिस्टोरिंग फोर्स ना। ओके सपोज ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है, उसका लेंथ है L। सपोज इस पॉइंट पे जो तुम्हारा जो अपना टेम्परेचर है दैट इज T, तो क्या बोलोगे? इस टेम्परेचर पे L इज द नेचुरल लेंथ ऑफ दैट स्प्रिंग, राइट? है ना? यस सर। यस सर। अरे है ना? ओके okay. अगर मैं इसको हीट अप कर दूंगा तो क्या होगा? नेचुरल लेंथ चेंज होगा। नेचुरल लेंथ चेंज होगा। अब सपोज जो टेम्परेचर को मैंने कर दिया टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, तो यही जो स्प्रिंग है ये अपने आप ही एक्सपेंड हो जाएगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये बन जाएगा एल वन प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। ये क्या है इसका? न्यू नेचुरल लेंथ, राइट? ये न्यू नेचुरल लेंथ है। क्या इसमें एक्सटेंशन आया? यस इसमें एक्सटेंशन आया है, लेकिन वो एक्सटेंशन जो है उससे स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस कब आता है? स्ट्रेस कब आता है कि जब सपोज मैं यहां जैसे कि ये एक मासलेस स्प्रिंग रखा हुआ है, ये है इसका नेचुरल लेंथ। जब मैं इसको उसको मैंने ये कर दिया प्रेस कर दिया, ठीक है? तो अगर मैंने इसको x अमाउंट से प्रेस कर दिया तो हमने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया F एक्सटर्नल, और स्प्रिंग ने एक फोर्स लगाया कहां की तरफ? ऊपर तरफ, जिसको हम बोलते हैं F R रिस्टोरिंग, जो कि वापस नेचुरल लेंथ में जाने का ट्राई कर रहा है ना, रिस्टोर करने का ट्राई कर रहा है। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? kx। तो मैं स्ट्रेस लिखता हूं, स्ट्रेस मेरे पास होता है F रिस्टोरिंग अपॉन एरिया, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? के एक्स अपॉन ए। सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्ट्रेन कितना होता है? स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल, और उसके अंदर L क्या होता है नीचे? जो इनिशियल लेंथ। इनिशियल नहीं, इनिशियल नहीं होता, नेचुरल। कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको क्या होना चाहिए था और वो क्या है? तो इस टेम्परेचर पे उसको क्या होना चाहिए था? सपोज ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास में है L, और इस पॉइंट पे ये क्या क्या बन गया है? ये L माइनस x बन गया है। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ? x। और इस पॉइंट पे जो नेचुरल लेंथ है वो कितनी है? तो ये हमारे पास में है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है कि मीन पोजीशन से कितना तुम डेविएट हो, मीन पोजीशन। और हर पॉइंट हर टेम्परेचर पे जो मीन पोजीशन है वो अलग अलग है, ठीक है? और सॉलिड्स के अंदर हमने देखा है स्ट्रेस, एक बार रिपीट करो। हाँ स्ट्रेस एक बार फिर से बता दूंगा। नहीं अभी किसी ने उसका क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा बेटा? स्ट्रेस एक बार रिपीट कर सकते हैं? स्ट्रेस का मतलब, ठीक है, तू वापस
रिस्टोरिंग फोर्स है, इसका मतलब क्या होता है, रिस्टोर का मतलब क्या होता है, यू आर ट्राइंग टू गो टू द मीन पोजिशन, तो मीन पोजिशन की तरफ जाने का ट्राई कर रहे हो, तो तुम कितना फोर्स लगा रहे हो अपॉन कितने क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगा रहे हो। अगर देखा जाए तो स्ट्रेस इज डायमेंशनली इक्वल टू अ प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया तो होता है प्रेशर। सर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किस, वो कौन से पार्ट पे, जितना हमने नीचे लाया उतने का ही कितना बाकी होता है? नहीं नहीं, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पे फोर्स है, तुमने यहाँ फोर्स लगाया ना इस वाले, देखो जो जो मैंने इसका सर्कल सा बनाया। हाँ सर, तो बस उतना ही, बस उतना ही। ओके ठीक है। और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताता है ठीक है सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं। ये बताता है कि चीजों को कंप्रेस कितना डिफिकल्ट। अभी हेलो सर, लैग हो रही है, लैग्ड। हेलो, अरे स्क्रीन शेयर, हाँ दिख रहा है अभी। हेलो यस सर। हाँ सर, ओके। हाँ तो ये जो है ना, ये यंग्स मॉडुलस होता है, ये अपना मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बहुत हाई है, मतलब कि उस चीज को कंप्रेस करना या एक्सटेंड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर वैल्यू बहुत कम है तो तुम उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसी को, जैसे स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। फोर्स क्या बन जाएगा, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया अपॉन लेंथ इनटू डेल्टा एल। अब देखो डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन, राइट, और ये बन गया फोर्स। तो ये जो चीज है, ये कंप्लीट चीज हमारे पास क्या बन गई बेसिकली, ये बन गया ना स्प्रिंग कांस्टेंट बन गया ना ये। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के अंदर क्या आता है, यंग्स मॉडुलस, एरिया एंड लेंथ। जो स्प्रिंग जितना ज्यादा थिक होगा, मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, उसको कंप्रेस करना उतना ही मुश्किल होता है। इसका एग्जांपल बताओ। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है तो स्प्रिंग को कंप्रेस करना इजी होता है, डिफिकल्ट होता है? डिफिकल्ट होगा। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, एक स्प्रिंग तुम्हारे पेन में भी होता है ना, तुम अपने पेन वाला स्प्रिंग, पेन के स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा होता है। एक तुम्हारा बाइक, कार, इनके शॉकर होते हैं, वो स्प्रिंग मोटा होता है, ठीक है। क्यों, उसको कंप्रेस करना मुश्किल होना चाहिए,
लेंथ, स्प्रिंग जितना लंबा होता है उसको एक्सटेंड करना उतना ही आसान होता है, स्प्रिंग छोटा होता है तो उसको कंप्रेस करना मुश्किल होता है। उसके साथ में यंग्स मॉडुलस आ गया, ये बताएगा प्रॉपर्टी कैसी है तुम्हारा स्प्रिंग, किस चीज का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। तो जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा है उसको कंप्रेस करना या एक्सटेंड करना बहुत डिफिकल्ट। अब थर्मल जो है स्ट्रेस किसको बोलते हैं, जैसा डेफिनेशन में ही है कि बिकॉज ऑफ थर्मल एक्टिविटी, मतलब उसको हीट अप कर रहे हैं या कूल डाउन करने की वजह से अगर कोई स्ट्रेस आया तो उसको हम थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। अब बताओ थर्मल स्ट्रेस क्यों आएगा, बताओ तो अभी तुमको बताया स्ट्रेस क्यों आता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स से नहीं आता है। तुम बताओ, तुमको मैंने होमवर्क दिया, मैं कहा इतना होमवर्क करना है, तो मैं हो गया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब जिस बच्चे को होमवर्क करना है ठीक है उसी को स्ट्रेस होता है ना, अगर किसी बच्चे को होमवर्क करना ही नहीं है तो उसके लिए कौन सा स्ट्रेस। तो यू आर द रिस्टोरिंग फोर्स कि होमवर्क करना है, तो जिसके माइंड में ये है कि होमवर्क करना है दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। जितना ज्यादा तुम्हारे माइंड में वो चीज चलेगी होमवर्क करना है करना करना है उतना ही ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तुम्हारे ऊपर। अगर किसी ने सोच रखा नहीं यार छोड़ो ना क्या करना है, उसके माइंड के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैं एक्सटर्नल फोर्स हूं, मैं चाहे कितना ही बोलूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिस्टोरिंग फोर्स जरूरी है। जैसे नीचे स्क्रॉल कर, ये वाला थोड़ा, हाँ सर आपने जो बताया ना यंग्स मॉडुलस, सर उसका स्पेलिंग क्या है, यंग्स वाई ओ यू एन जी यंग्स मॉडुलस। देखो अब बताओ, सपोज ये एक वॉल है, वॉल के ऊपर मैंने फिक्स किया हुआ है, एक दो रॉड है उसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, सपोज इसका लेंथ है एल, अल्फा दिया हुआ, इसको इंक्रीज कर दिया डेल्टा टी से, क्या होगा रॉड में, ये दो रॉड है ये मैंने ऐसा हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो गया, ये हो गया, बताओ इसके अंदर कितना स्ट्रेस आया और कितना स्ट्रेन आया। तो स्ट्रेस तो जीरो होना चाहिए ना, स्ट्रेन शायद अल्फा डेल्टा टी बाय एल होगा। हाँ सर, स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी होगा। ओके अब यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारे पास में स्ट्रेन है तो स्ट्रेस भी होना ही चाहिए, क्योंकि यंग्स मॉडुलस तो होता ही है, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। सर बट वो फ्रीली एक्सपैंड हो रहा है ना। हाँ हाँ, तो जब तुम बोल रहे हो कि स्ट्रेन है, राइट, तुमने बोला स्ट्रेन है। हाँ सर, वो वॉल नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। कहाँ की तरफ लगा रहा है, राइट में। तो अगर मैं पूरे रॉड को एक सिस्टम ले लूं तो उस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में फोर्स है नहीं, तो उसका एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन क्यों नहीं हो रहा, सोचो। सिस्टम तो पूरा वॉल और नेट फोर्स जीरो। आप देखो, स्ट्रेस भी जीरो, स्ट्रेन भी जीरो। स्ट्रेन का मतलब मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शनल चेंज, राइट। फ्रैक्शनल चेंज कहां से, कि नेचुरल लेंथ से मैंने उसको वन कितना डिस्टर्ब किया है, यही इसका नेचुरल लेंथ है। तो इस पोजीशन में यही तो नेचुरल लेंथ है, तो मैंने नेचुरल लेंथ से क्या उसको डिस्टर्ब किया, नहीं किया। तो स्ट्रेन जीरो, स्ट्रेन जीरो है तो स्ट्रेस भी जीरो।
दिस इज न्यू, मैंने तुमको ऊपर भी दिखाया था, दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम, सेम टेम्परेचर में होना चाहिए. हाँ, न्यू नेचुरल लेंथ, क्योंकि इसका टेम्परेचर था टी, इसको इंक्रीज कर दिया डेल्टा टी, इसका टेम्परेचर कितना हो गया टी प्लस डेल्टा टी. तो नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन. ओके, अगर इसी के अंदर सर सर वो स्ट्रेन वाला फिर से बता सकते हैं? हाँ बेटा बताओ. नहीं, स्ट्रेन का मतलब क्या था सर? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ. ओके, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, कौन सी लेंथ से? सर उसकी नेचुरल लेंथ से. तो इस न्यू टेम्परेचर पे यही तो इसका नेचुरल लेंथ है. क्या मैंने उसको नेचुरल लेंथ से छेड़ा? हाँ सर. नहीं छेड़ा. कोई कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, सब जीरो. अगर इसी के बजाय मैं ये कर देता, एक वॉल यहां लगा हुआ है, एक वॉल यहां लगा हुआ है, इनके बीच में रोड को फंसा दिया, और ये है इसका कारण क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये है सपोज इसका लेंथ एल, और ये नेचुरल लेंथ में. एल एट टी, और तुमको अल्फा गिवन है. अब मैंने इसको हीट अप कर दिया. ओके, क्या होगा? ये जो रॉड है ये तो एक्सपेंड होना चाहेगा. लेफ्ट साइड भी वॉल है? हाँ, लेफ्ट साइड वॉल. हाँ हाँ, दोनों तरफ वॉल है ना, फिक्स किया हुआ दोनों तरफ से. अब ये जो रॉड है ये तो चाहेगा ना एक्सपेंड होना, क्योंकि मेरा टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है. लेकिन तुमने क्या किया भाई, तुमने इसको रोका हुआ है. एरियल एक्सपेंड कर सकते? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि बस लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं सर, वो अलोंग द लेंथ ताकि ऊपर कर्व है. हाँ सर, कर्व भी तो अगर अगर बहुत ज्यादा हो गया तो कर्व कर जाएगा, लेकिन हमने देखा है ना कि एक्सटेंशन बहुत छोटे होते हैं. इसलिए तो देखो, इस पॉइंट पे तुम कहोगे स्ट्रेस है. क्यों? अगर मैं इसको खुला छोड़ देता, अगर खुला होता ये, तो ये कहां तक पहुंच, इस टेम्परेचर पे ये है इसका नेचुरल लेंथ. ये कैसा है नेचुरल लेंथ? इसकी वैल्यू कितनी है? एल वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी. ये नेचुरल लेंथ है. इसको मैंने कितना कंप्रेस किया हुआ है? L alpha into delta t. तो अब यहाँ पे स्ट्रेन है. स्ट्रेन क्या होता है? L alpha into delta t upon क्या आएगा नीचे? L into L one plus alpha into delta. तो ये स्ट्रेन है. तो अब इसके पास में स्ट्रेस भी आएगा. तो स्ट्रेस क्या बन जाएगा? यंग्स मॉडुलस into स्ट्रेन. तो ये दो स्ट्रेस है. अब वॉल दोनों तरफ से फोर्स लगा रही है कि नहीं तुमको बाहर आना है, लेकिन मैं बाहर आने नहीं दूंगी. तो स्ट्रेस इसको बोलते हैं. सर स्प्रिंग बाहर. हाँ सर, ये तो यंग्स मॉडुलस जो मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी नहीं होना. नहीं ना, आ तो उसी का प्रॉपर्टी है ना, मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो. सर लेकिन सेम मटेरियल हमने लिया, उसको सेम टेम्परेचर से इंक्रीज किया, एक साइड पे वॉल डाल दिया, एक साइड पे वॉल नहीं डाला, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई? जीरो. तो क्या तुम्हारा मास के ऊपर फर्क पड़ा? तो अगर मैं ये बोलूं कि स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस चेंज होएगा ना. तो यंग्स मॉडुलस के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो एक नंबर है जो कि है, जैसे वहां पे मास है वो, बाकी दोनों चीजें आपस में एडजस्ट करेंगे कि हमको क्या करना है. ठीक है? हाँ सर. तो चलो बस इतना ही है. बाकी जो एक मैंने असाइनमेंट अभी तुम्हारे ग्रुप पे डाला है, उसके सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, अच्छे से. तो उतना इसके लिए सफिशिएंट है इतना. सर वो करके आपको भेजना है? हाँ हाँ, भेजो भेजो. और क्या, संडे से पहले? ठीक है, ओके, चलो बाय बाय. सर आप अभी नोट्स भेजोगे? हाँ भेज दूंगा.